हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आईसीटी चैनल पर। इस वीडियो में हम शिक्षण निदेशालय द्वारा भेजी गई आज मंगलवार 25 अगस्त 2020 की वर्कशीट को डिस्कस करेंगे और सॉल्व करेंगे। ये वर्कशीट क्लास 6 से क्लास 8 के स्टूडेंट्स के लिए है और वर्कशीट का नंबर है 44। लेकिन आगे बढ़ने से पहले बच्चों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल प्रेस कर लीजिए, क्योंकि डेली नई वर्कशीट के साथ मैं वीडियो लेकर आता रहता हूँ। साथ ही बच्चों, अगर इस वर्कशीट का इंग्लिश मीडियम में आपको लिंक चाहिए तो मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां से आप जाकर इस वर्कशीट को इंग्लिश में देख सकते हैं। और इसके साथ ही बच्चों, आप ये वीडियो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरी देखिए, जिससे कि आपको ये वर्कशीट अच्छे से समझ में आ जाए, उसके क्वेश्चन आंसर्स अच्छे से समझ में आ जाए। उसके बाद आप इस वीडियो को रिप्ले करके क्वेश्चन आंसर्स अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले आपको इस जगह पर अपना नाम फिल कर लेना है और जो भी आपके क्लास टीचर का नाम है आप इस जगह पर फिल कर लेंगे। तो चलिए सीधा चलते हैं वर्कशीट पर, देखते कि आज हमें वर्कशीट में क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पे लिखा है कि दिल्ली के लिए पानी का मुख्य स्रोत यमुना नदी है, लेकिन दुर्भाग्य से पूरे भारत में यह सबसे अधिक प्रदूषित नदी बन चुकी है, जिसकी वजह से हम इसे मृत नदी की संज्ञा भी दी जाने लगी है। इस नदी में दिल्ली के लगभग 19 नालों का गंदा पानी छोड़ा जाता है, जो इसके पानी को प्रदूषित करते हैं। तो बच्चों, यहाँ पे ये बताया गया है कि दिल्ली में जो हम लोग पानी पीते हैं उसका स्रोत क्या है, उसका स्रोत है यमुना नदी। ठीक है, लेकिन ये हमारा दुर्भाग्य है कि यमुना नदी बहुत अधिक ही प्रदूषित हो चुकी है, और ये इतनी प्रदूषित हो चुकी है कि इसको मृत नदी, मतलब कि जो नदी मर गई है, इस प्रकार की संज्ञा दी जाती है। मतलब इस प्रकार से लोग बोलते हैं कि ये नदी मर चुकी है। ठीक है, इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि दिल्ली के लगभग 19 नालों का गंदा पानी इसमें छोड़ा जाता है, जिससे कि इसका पानी प्रदूषित हो गया है। ठीक है बच्चों, साथ ही यहाँ पे आपको कुछ पिक्चर्स भी दिखाई गई हैं, जैसे कि ये देखिए, यहाँ पे ये जो यमुना नदी का पानी है ये कितना गंदा हो चुका है, यहाँ पे कितना सारा कूड़ा पड़ा हुआ है। ठीक है, इसके अलावा इसके अंदर यहाँ पे एक फोटो है जिसके अंदर नदी के अंदर ही उर्वरक और कीटनाशक फेंके जाते हैं, जिससे कि इसका पानी पीने लायक भी नहीं रहता। ठीक है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो औद्योगिक कचरा है, जो कचरा फैक्ट्रियों से निकलता है, ठीक है, चाहे वो कचरा हो या गंदा पानी है, वो भी सीधा यमुना नदी में फेंका जाता है। ठीक है, उसके अलावा जैसे धार्मिक गतिविधियां होती हैं, जैसे कि मूर्ति विसर्जन होता है, ठीक है, हम क्या करते हैं, मूर्ति खरीदते हैं जो कि प्लास्टर ऑफ पेरिस की बनी होती है या सीमेंट की बनी होती है, तो हम इसको जाके सीधा नदी में फेंक देते हैं, जिससे कि उसका पानी प्रदूषित होता है। ठीक है, तो ये कुछ कारण है जिसकी वजह से यमुना का पानी जो है वो काफी ज्यादा प्रदूषित हो गया है और वो पीने लायक नहीं बचा है। इसके अलावा यहाँ पे लिखा हुआ है कि यमुना एक्शन प्लान परियोजना 1993 में यमुना नदी को साफ करने के लिए लागू की गई थी। सरकार अब तक इस परियोजना में अरबों रुपए खर्च कर चुकी है, लेकिन अभी भी यह नदी हमारी आदतों की वजह से बुरी स्थिति में है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर यह बताया गया है कि एक यमुना एक्शन प्लान परियोजना थी 1993, ठीक है, जो यमुना नदी को साफ करने के लिए ये योजना लाई गई थी। ठीक है, इस योजना के अंदर सरकार ने अरबों रुपए नदी को साफ करने के लिए खर्चे हैं, ठीक है, अभी तक। लेकिन अभी भी, क्योंकि हमारी ऐसी आदत है कि हम लोग कूड़ा उसके अंदर फेंक देते हैं, हम लोग मूर्ति विसर्जन उसमें कर देते हैं, फैक्ट्रियों का कूड़ा कचरा उसमें जाता है, तो इतना पैसा खर्च करने के बाद भी यमुना नदी की स्थिति है वो उसी प्रकार की है जैसे वो पहले थी। ठीक है, मतलब वो अभी भी प्रदूषित ही है। तो इसी के आधार पर यहाँ पर हमें कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, टोटल यहाँ पर 4 क्वेश्चन हमें दिए गए हैं, तो चलिए हम इनको एक एक करके सॉल्व कर लेते हैं, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि दिल्ली में पानी का मुख्य स्रोत क्या है। ठीक है, तो हमें ये बताना है कि दिल्ली में हम लोग जो पानी पीते हैं वो कहाँ से आता है, उसका स्रोत क्या है। तो देख लेते हैं इसका आंसर। तो यहाँ पे लिखा है कि दिल्ली में पानी का मुख्य स्रोत यमुना नदी है। ठीक है, तो हमें जो पानी सप्लाई होता है हमारे घरों में वो कहाँ से आता है, यमुना नदी से आता है। ठीक है बच्चों, इसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ लिखा है कि आपके विचार में यमुना प्रदूषण के क्या कारण है। ठीक है बच्चों, इसमें हमें ये बताना है कि यमुना में जो प्रदूषण फैला हुआ है उसके क्या कारण है। तो देख लेते हैं हम इसका आंसर। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि यमुना नदी में दिल्ली के लगभग 19 नालों का गंदा पानी छोड़ा जाता है, जो इसके पानी को प्रदूषित करता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है बच्चों कि यमुना नदी में, क्योंकि दिल्ली के 19 नाले जो हैं उनका गंदा पानी छोड़ा जाता है, इसी कारण यमुना का जो पानी है वो प्रदूषित है, वो पीने लायक नहीं है। इसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर लिखा है, यदि आपके पास अलादीन की तरह ही एक जादुई चिराग हो तो आप जिन से यमुना नदी के लिए कौन सी
तीन इच्छाएं पूरी करने के लिए कहेंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर यह पूछा गया है कि मान लीजिए आपके पास एक अलादीन का चिराग आ गया है और आपको यमुना नदी के लिए कुछ मांगना है, ठीक है, तो आप क्या मांगेंगे यमुना नदी के लिए, आपकी क्या इच्छाएं होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं इसका आंसर, जिसमें लिखा है कि यदि मेरे पास अलादीन की तरह ही एक जादुई चिराग हो तो मैं जिन्न से यमुना नदी के लिए निम्न तीन इच्छाएं पूरी करने को कहूंगा। ठीक है, जिसमें की पहली इच्छा है कि यमुना नदी हमेशा साफ रहे, दूसरी इच्छा है यमुना नदी का जल स्तर हमेशा एक समान बना रहे, और तीसरी इच्छा है कि यमुना नदी हमेशा फलती फूलती रहे और हमारी आने वाली पीढ़ी को कभी पानी की कमी ना हो। ठीक है, तो ये तीन इच्छाएं बच्चे जो कि आप जादुई चिराग से मांग सकते हैं। मैंने एग्जाम्पल के लिए तीन इच्छाएं लिख दी है। अगर आपके मन में कोई ऐसी इच्छा आ रही है जो आप इस क्वेश्चन के आंसर में ऐड करना चाहते हैं तो आप उसको ऐड करके लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या दिया हुआ है। यहाँ लिखा है कि नदी में मूर्ति विसर्जन की जगह लोगों को कुछ अन्य विकल्पों के सुझाव दीजिए, इसके लिए आप अपने बड़ों की सहायता भी ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि मूर्ति विसर्जन जो हम जाके नदी में करते हैं, ठीक है, वो हम ना करें या फिर उसको करने का कोई ऐसा कोई अलग तरीका हो जो कि आप यहाँ पर अपने सुझाव देना चाहें वो आप दे सकते हैं। इसके साथ ही सुझाव को लेने के लिए आप अपने बड़ों की सहायता भी ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। यह लिखा है कि नदी में मूर्ति विसर्जन की जगह कुछ अन्य विकल्पों का सुझाव। तो यहाँ पर पहला सुझाव है कि हम मूर्ति विसर्जन घर पर ही किसी बाल्टी या कृत्रिम तालाब में कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस पहले सुझाव में ये लिखा गया है कि आप मूर्ति विसर्जन, अगर आपकी मूर्ति मान लीजिए छोटी है, ठीक है, तो उसका विसर्जन आप बाल्टी में भी कर सकते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए कि आपकी मूर्ति थोड़ी सी बड़ी है तो आप घर ही या घर के आसपास ही कहीं एक छोटा सा कृत्रिम तालाब बना सकते हैं। ठीक है, गड्ढा खोद के आप उसके अंदर पानी भर सकते हैं। ठीक है, आप और उसके अंदर आप मूर्ति का विसर्जन कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, इससे क्या होगा, जो नदी में हम लोग मूर्ति विसर्जन करते हैं वो नहीं करेंगे, जिससे कि क्या होगा, नदी जो है साफ रहेगी और उसका जल भी साफ रहेगा। ठीक है बच्चों, देख लेते हैं दूसरा सुझाव। यहाँ लिखा है कि हमें मूर्ति बनाते या खरीदते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि मूर्ति केवल प्राकृतिक सामग्री और पेंट से ही बनी हो। ठीक है बच्चों, ठीक है, दूसरा सुझाव बच्चों ये है कि हम यदि मान लीजिए हम खुद ही मूर्ति घर पर बना रहे हैं या फिर हम मार्केट से मूर्ति लेने जा रहे हैं, तो हमें हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि मूर्ति केवल ऐसी चीजों से बनी हो जो कि प्राकृतिक हो, जैसे कि मिट्टी हो गई आपकी, ठीक है, मिट्टी से बनी हुई मूर्ति, और उस पे हम मिट्टी से बनी मूर्ति ही आप खरीदें या बनाएं। इसके साथ ही उस पे जो पेंट होता है वो जो पेंट है वो प्राकृतिक हो, ठीक है, वो पेंट प्लास्टिक वाला पेंट ना हो, जिससे क्या होगा, मान लीजिए आप विसर्जन करने जाएंगे नदी में तो वो मूर्ति जो है वैसे की वैसे ही वहां पे काफी टाइम तक रहेगी और वो मूर्ति जल को प्रदूषित करेगी किसी भी नदी के। ठीक है बच्चों, इसलिए हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि प्राकृतिक सामग्री और प्राकृतिक पेंट से बनी मूर्ति ही हम बनाएं या खरीदें। ठीक है बच्चों, उसके बाद देख लेते हैं तीसरा सुझाव। यहाँ पर लिखा है कि सरकार को प्लास्टर ऑफ पेरिस और हानिकारक रसायन से बनी मूर्ति पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। ठीक है साथी बच्चों, हमें सरकार से ये निवेदन करना चाहिए, ये रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि सरकार जो प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी मूर्तियां होती हैं उन पर प्रतिबंध लगा दे। साथ ही अगर मूर्ति के ऊपर हम कोई हानिकारक रसायन यूज करते हैं ऐसी मूर्ति को भी सरकार को बैन कर देना चाहिए, प्रतिबंध लगा देना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये थे कुछ सुझाव, ठीक है, जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, मूर्ति को नदी में जाकर विसर्जन करने की जगह। ठीक है बच्चों, तो बच्चों यही थी आपकी आज की वर्कशीट, और ये वर्कशीट आप अपनी कॉपी में नोट जरूर कर लें। साथ ही ये वर्कशीट और इसमें दिए गए क्वेश्चंस आपको कैसे लगे ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरी जरूर देखें, और इस वर्कशीट का इंग्लिश में अगर आपको लिंक चाहिए तो मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप उसको क्लिक करके वर्कशीट को इंग्लिश इसमें नोट कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलता हूं आपको बुधवार को एक नई वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए स्टे सेफ, हैव अ नाइस डे।